नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल हिस्ट्री गाइड नंबर वन पर। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास सिक्स का पांचवा चैप्टर लेकर आए हैं। इससे पहले चार चैप्टर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। पांचवें चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। आप सीखेंगे वेद में क्या है, वैदिक युग के लोग, ईमान गाँव के महापाषाण। हम जानेंगे वेद। सबसे पहले वेद की रचना आज से लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। आपको शायद पता होगा कि चार वेदों का नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है कि अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद में तीन मुख्य देवताओं का वर्णन है। आग के देवता अग्नि है, वर्षा के देवता इंद्र है और सोम एक पौधा है। इस पौधे के एक विशेष प्रकार का पेय बनाया जाता है। ऋग्वेद की प्रार्थनाएं लोगों के लिए वर्षा और आग के महत्व को दर्शाती है। हम जानते हैं कि अच्छी फसल के लिए वर्षा जरूरी है। प्रचुर मात्रा में पीने के पानी के लिए वर्षा भी जरूरी है। आग का इस्तेमाल हम भोजन पकाने और अन्य कई कामों के लिए करते हैं। इन प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी जो अत्यंत विद्वान पुरुष होते थे। कुछ महिलाओं ने भी ऐसी प्रार्थनाओं की रचना की है। ऋग्वेद में प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। यह आज की संस्कृत से कुछ कुछ अलग है। भाषाओं के कुछ मुख्य परिवार। पहला, इंडो यूरोपियन परिवार। इस परिवार की भाषाएं हैं जर्मन, फ्रांस, इंग्लिश, स्पेनिश, ग्रीक, संस्कृत, हिंदी, बंगला, असामिया, गुजराती, सिंधी, पंजाबी आदि। दूसरा, तिब्बतो बर्मन परिवार। इस परिवार की भाषाएं भारत के पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है। तीसरा, द्रविड़न परिवार। इस परिवार की भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। चौथा, ओस्ट्रो एशियोटिक परिवार। इस परिवार की भाषाएं झारखंड में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। अब हम जानेंगे इतिहासकार और ऋग्वेद। ऋग्वेद के कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। एनसीईआरटी की किताब के इस अध्याय में ऋग्वेद के कुछ सूक्तों को लिया गया है जो कि विश्वामित्र और नदियों के बीच हुई बातचीत के बारे में है। इस बातचीत का सरल अनुवाद नीचे दिया गया है। ऋषि विश्वामित्र ने नदी की तुलना गाय और घोड़े से की है। वह नदी पार करना चाहते हैं, इसलिए वह नदी से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि सुरक्षित पार कर जाएं। इससे ये बातें पता चलती हैं। पहला, उस जमाने में लोग जहां रहते थे वहां नदी मौजूद थी। दूसरा, घोड़े और गायें लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानवर थे। तीसरा, यातायात के लिए रथों का प्रयोग होता था। चौथा, नदी को पार करने का शायद एक ही तरीका था, चलकर। ऐसा करने में जान को खतरा नहीं था। पांचवा, ऋग्वेद में सिंध और इसकी सहायक नदियों का जिक्र है। सरस्वती नदी के बारे में भी ऋग्वेद में लिखा गया है, लेकिन गंगा और यमुना का नाम ऋग्वेद में केवल एक ही बार आया है। इन जानकारियों के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जब ऋग्वेद की रचना हुई थी तब अधिकतर लोग सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास रहते थे, लेकिन लोगों को गंगा और यमुना के बारे में भी मालूम था। अब हम जानेंगे मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशी, घोड़े और बच्चे, खासकर पुत्रों के लिए कई प्रार्थनाएँ हैं। इससे पता चलता है कि उस जमाने में लोगों के लिए मवेशी और घोड़े महत्वपूर्ण थे। इससे यह भी पता चलता है कि लोग बेटियों की तुलना को अधिक महत्व देते थे। मवेशी का इस्तेमाल कृषि कार्यों और यातायात के लिए होते थे। घोड़े का इस्तेमाल रथ खींचने के लिए होता था। लोग सफर के लिए घुड़सवारी भी करते थे। घोड़ों और रथों का इस्तेमाल भी होता था। युद्ध अक्सर जमीन, मवेशी और पानी के लिए होते थे। खराब परिस्थिति में आसानी से उगता है और इसकी फसल जल्दी पक जाती है, इसलिए जौ की खेती बहुतायत से होती थी। युद्ध में जीते गए धन को समाज के हर वर्ग में बराबर बांटा जाता था। उसमें से कुछ धन का इस्तेमाल यज्ञ करने के लिए होता था। यज्ञ एक जटिल अनुष्ठान होता था। यज्ञ में आहुति दी जाती थी। घी और अनाज की आहुति दी जाती थी। जानवरों को बलि भी दी जाती थी। लगभग हर पुरुष को युद्ध में भाग लेना पड़ता था। एक नियमित सेना रखने की परंपरा शुरू नहीं हुई थी। सेना में अलग अलग पेशे से लोग आते थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति को सेनापति के तौर पर चुना जाता था। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। ऋग्वेद में काम के आधार पर तीन तरह के लोगों का वर्णन है जो नीचे दिया गया है।
पुरोहित, जो लोग अनुष्ठान कराते थे उन्हें पुरोहित या ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। राजा, शासक को राजा कहते थे। उस जमाने की राजा बाद के जमाने के राजाओं की तरह नहीं होते थे। उनकी न तो कोई राजधानी होती थी और ना ही कोई महल होता था। वे किसी प्रकार का टैक्स नहीं वसूलते थे। यह जरूरी नहीं था कि किसी राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही राजा बने। जन, आम लोगों को जन या वीश कहते थे। आज भी हिंदी भाषा में लोगों के लिए जन शब्द का प्रयोग होता है। वीश शब्द से ही वैश्य बना है। ऋग्वेद में कई जनों या वीश का उल्लेख है, जैसे कि पुरु जन, भरत जन और यदु जन। आर्य, जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की थी वे अपने आप को आर्य कहते थे। वे अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दास लोग अलग अलग भाषा बोलते थे और यज्ञ नहीं करते थे। समय बीतने के साथ दास या दासी शब्द का इस्तेमाल गुलामों के लिए होने लगा। युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को अपनी बाकी जिंदगी दास के रूप में बितानी पड़ती थी। आर्य लोग खानाबदोश थे, जो मध्य एशिया में रहते थे। वे 1500 ईसा पूर्व भारत में आए। शुरू में वे पंजाब के आसपास बस गए। उस समय भारत में रहने वाले मूल निवासियों को द्रविड़ कहा जाता था। समय बीतने के साथ आर्य भारत के अन्य भागों में फैल गए, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और फिर आगे पूरब की ओर। द्रविड़ लोगों को विंध्याचल के दक्षिण की ओर जाने को बाध्य होना पड़ा। महापाषाण, खामोश प्रहरी। महापाषाण पत्थर से बनी रचना होती है। इनका इस्तेमाल किसी पंथ कब्रगाह पर निशान लगाने के लिए किया जाता था। महापाषाण को या तो एक ही विशाल पत्थर से बनाया जाता था या फिर अनेक पत्थरों से। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिखाई देते थे, जबकि कुछ अन्य जमीन के नीचे। महापाषाण को शायद साइन पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इससे कब्रगाह को खोजने में आसानी होती थी। महापाषाण बनाने की परंपरा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। यह परंपरा दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और कश्मीर में प्रचलित थी। मृत व्यक्ति को कुछ विशेष बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन बर्तनों को रेड वेयर या ब्लैक वेयर कहते थे। कुछ कब्रगाहों से लोहे के औजार और घोड़े के कंकाल भी मिले हैं। इसे पता चलता है कि उस जमाने में लोहे का इस्तेमाल होता था। इससे लोगों के लिए घोड़े के महत्व का पता भी चलता है। कुछ कब्रगाहों से सोने और पत्थरों के जेवर भी मिले हैं। सामाजिक असमानताएं। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी नामक एक बड़ा ही महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल है। इस पुरा स्थल की एक कब्र से एक कंकाल मिला है, जिसके साथ 33 सोने के मनके और 2 पत्थर के मनके, 4 तांबे की चूड़ियां और 1 शंख मिला है। वही दूसरे कंकालों के साथ कुछ एक बर्तन भी मिले हैं। इनसे बड़े रोचक तथ्य सामने आते हैं। ईमान गांव, एक विशेष कब्रगाह। ईमान गांव आज के महाराष्ट्र में पड़ता है। यह पुणे से 89 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के निकट है। ईमान गांव में लोग लगभग 3600 से 2700 वर्ष पहले रहते थे। इस कब्रगाह में वयस्कों को ही दफन किया जाता था। मृत शरीर को सीधा लिटा दिया जाता था और उसका शरीर ऊपर की ओर रखा जाता था। कुछ लोगों को घरों में दफनाया जाता था। मृत के साथ बर्तनों को भी दफनाया जाता था। इन बर्तनों में शायद खाने पीने की चीजें भी रखी जाती थी। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं ईमान गांव। ऐसे ही एक पूरा स्थल से एक चार पाए जाने वाले जार मिला है। उस जार के भीतर एक कंकाल था। इस जार को 1-5 कमरे वाले मकान के आंगन में रखा गया था। यह उस पूरा स्थल के कुछ सबसे बड़े मकानों में से एक था। उस घर में एक भंडार घर भी मिला है। मृतक के पैर मोड़कर लिटाया गया था। इतिहासकारों का अनुमान है कि वह अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण और धनी व्यक्ति रहा होगा। हो सकता है वह एक समृद्ध किसान हो या गांव का मुखिया। अब हम जानेंगे ईमान गांव के लोगों का व्यवसाय। ईमान गांव के पूरा स्थल से गेहूं, जौ, दलहन, बाजरा और तिल के अवशेष मिले हैं।
यहाँ से कई जानवरों के अवशेष भी मिले हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चीतीदार हिरण, काली हिरण, बारहसिंघा, खरगोश और नेवला आदि। यहाँ से चिड़िया, मगरमच्छ, कछुआ, केकड़ा और मछली के अवशेष भी मिले हैं। कुछ जानवरों की हड्डियों पर काटने के निशान भी हैं। इससे पता चलता है कि इन जानवरों का इस्तेमाल भोजन के रूप में होता था। इतिहासकारों को कई फलों के अवशेष भी मिले हैं, जैसे कि बैर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रस भरी। ऊपर दी गई जानकारियों से पता चलता है कि ईमान गांव के लोगों का मुख्य पेशा था कृषि। जानवरों को मांस और दूध के लिए पाला जाता था। मांस के लिए जंगली जानवरों का शिकार भी किया जाता था। अब हम जानेंगे इतिहासकार कंकाल का अध्ययन कैसे करते हैं। किसी वयस्क बच्चे के कंकाल में अंतर आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन पुरुष और महिला के कंकाल में अंतर करना कठिन होता है। महिलाओं की कूल्हे की हड्डी अधिक चौड़ी होती है ताकि शिशु के जन्म में आसानी हो। कूल्हे की हड्डी के आकार के आधार पर यह पता किया जाता है कि वह किसी महिला का कंकाल है या पुरुष का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न, वेद कितने हैं? सभी के नाम लिखे। वेद चार हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दूसरा, सबसे पहले किस वेद की रचना हुई? इसका सही उत्तर है ऋग्वेद की, लगभग 3500 साल पहले। तीसरा प्रश्न, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल 1000 से ज़्यादा सूक्त हैं। चौथा प्रश्न, इसमें प्रमुखतया किन देवताओं की स्तुति की गई है? तो उत्तर है अग्नि, इंद्र और सोम। पांचवा प्रश्न, इनमें से किन किन नदियों की चर्चा की गई है? तो इसका सही उत्तर है सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। गंगा और यमुना नदी का सिर्फ एक ही बार जिक्र है। छठवां प्रश्न, वेदों की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर है आर्यों ने। सातवां प्रश्न, आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो इसका सही उत्तर है मध्य एशिया से। आठवां प्रश्न, आर्य लोग सबसे पहले किस नदी के किनारे बसे? सही उत्तर है सिंधु नदी के किनारे। नौवां प्रश्न, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई? सही उत्तर है लगभग 3000 वर्ष पहले। दसवां प्रश्न, ईमान गांव कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र के 89 किलोमीटर दूर है। ठीक है। ग्यारहवां प्रश्न, ऋग्वेद के वार्तालाप किस रूप में है? तो इसका सही उत्तर है सूक्त के रूप में। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक फॉर वॉचिंग।